तवांग में चीन से हुई झड़प के बाद भारत सरहद पर मजबूत सुरक्षा चक्र बना रहा है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में आज से एयरफोर्स का सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, जिसमें रफाल और सुखोई से लेकर अपाचे हेलीकॉप्टर का दम दिखाई दिया। 48 घंटे तक चलने वाला ये युद्धाभ्यास चीन सीमा के नजदीक नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। युद्धाभ्यास का मकसद है एयरफोर्स की ताकत और तैयारी परखना। ये आवाज आप सुन सकते हैं, ये फायरिंग की आवाज है। यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है ताकि चीन कोई भी हरकत करे, उसकी कोई भी जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो पाए। दरअसल उत्तर पूर्व के असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना की मजबूत उपस्थिति है। यहाँ वायुसेना न केवल सीमा की सुरक्षा संभालती है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड के उन इलाकों तक साल भर सप्लाई लाइन भी जारी रखती है, जहाँ मौसम के कारण सड़क से यातायात मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ रफाल, अपाचे और चिनूक जैसे सबसे नए एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। 2 साल पहले भी एयरफोर्स ने यहां पर बड़ा सैन्य अभ्यास किया था, जिसमें सैनिकों को कम से कम समय में एक घाटी से दूसरी घाटी तक पहुंचाने की क्षमता की जांच की गई थी। अब चीन से तनाव के बीच एक बार फिर सैन्य अभ्यास हो रहा है, जिसमें उत्तर पूर्व के 4 एयरफोर्स बेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें पहला है जोरहाट एयरबेस, जहां अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे तैनात है। दूसरा तेजपुर एयरबेस, जहां रशियन फाइटर जेट सुखोई 30 तैनात है। तीसरा चबुआ एयरबेस, जहां ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा सुखोई 30 तैनात है। आखिरी एयरबेस है पश्चिम बंगाल का हासिमारा, जहां फ्रांस से खरीदा गया रफाल फाइटर जेट तैनात है। इन एयरफोर्स स्टेशन के सभी वायुवीरों को सक्रिय और अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि यहां से LAC की दूरी काफी कम है। इस युद्धाभ्यास में केवल फाइटर जेट्स की तैयारी ही नहीं परखी जा रही, बल्कि कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, आपसी कम्युनिकेशन, तेजी और एक निश्चित टाइम फ्रेम में एक्शन की भी जांच की जा रही है। तभी पता चलेगा कि युद्ध की स्थिति में हमारी वायुसेना कितनी तेजी से तैयार हो पाती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से ये सफल टेस्ट हुआ। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर इस मिसाइल टेस्ट के चलते अब हो गई है। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से आज ये अग्नि 5 का सफल टेस्ट किया गया। तवांग में हुए संघर्ष के बाद नॉर्थ ईस्ट में चीन से लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यहाँ सर्दी बढ़ने के बाद बड़ी मुश्किल हालात हो जाते हैं, सेना के जवानों का जोश उसके बावजूद हाई है और वो देश की सरहद की रक्षा में जुटे हैं। इस बीच हालात का जायजा लेने के लिए जी न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। हम इस वक्त भारत चीन की सीमा के पास में पहुंच चुके हैं और यहाँ से ये पहला तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा जो इलाका है ये नो मैन्स लैंड है। ये पूरा इलाका आर्म फोर्सेस के अंडर में आता है। भारतीय सेना यहाँ पर भारतीय सेना की निगरानी में ये जगह रहता है। हालांकि इस इलाके में सर्दी के मौसम में पेट्रोलिंग करना आसान नहीं होता। जवानों को चीन की चालबाजी के साथ खराब मौसम से भी निपटना होता है। इस वक्त हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे -2 टेम्परेचर है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना देश की सुरक्षा के लिए वो लगातार काम कर रही है और देश का हम पहला मीडिया है, मीडिया हाउस है जी मीडिया, जो यहाँ तक पहुँचे है। हालांकि अब भारतीय सेना की मुश्किल आसान होने वाली है। जल्द तैयार होने वाली सेला टनल जवानों के लिए एक मजबूत लाइफलाइन साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बनने के बाद LAC तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। सुरंग के जरिए तवांग सेक्टर तक मिसाइल और टैंक आसानी से पहुंच जाएंगे, इसीलिए ड्रैगन सकते में है। सेला टनल, जिसका नाम बार बार जिक्र लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं चीन इसकी वजह से सकते में है, क्योंकि सेला टनल बनेगा तो मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो इस इलाके में और भी तेज गति से बढ़ेंगे। इस सुरंग को खास तकनीक से बनाया जा रहा है। टनल जो है वो ये इंश्योर करेगा कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पर रहे, कैसा भी मौसम हो, मौसम की कोई भी मार हो। खासकर जो दीरंग का इलाका है, दीरंग के इलाके से तवांग को ये जोड़ेगा। फिलहाल टनल और सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, हालांकि कड़ाके की ठंड के कारण यहाँ काम करना आसान नहीं है। का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी आसान नहीं है। देखिए, जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। और देखिए, यहाँ अभी भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे सड़क निर्माण का कार्य जारी है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही करीब 3 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग लगभग बनकर तैयार है और इसके मार्च 2023 में शुरू होने की उम्मीद है।
दरअसल सेला टनल 13,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग है। आपको बताते हैं कि क्या है इस सुरंग की खासियत और क्यों ये रणनीतिक रूप से अहम है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच दो सुरंग बन रही है। पहला 1,555 मीटर का ट्विन ट्यूब चैनल है, जबकि दूसरी 980 मीटर लंबी सुरंग है। खास बात यह है कि टनल 2 में ट्रैफिक के लिए एक बायलेन ट्यूब होगा और एक एस्केप ट्यूब होगा, यानी मुख्य सुरंग के बगल में इमरजेंसी के लिए उतनी ही लंबाई की एक और सुरंग बनेगी। सुरंग बनाने में लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बर्फबारी का असर नहीं होगा। प्रोजेक्ट में 7 किलोमीटर और 1.3 किलोमीटर लंबी दो सड़कें भी बनेंगी। सेला टनल 317 किलोमीटर लंबी बालीपारा चारद्वार तवांग सड़क पर है। तवांग सेक्टर में LAC तक पहुंचने का ये इकलौता रास्ता है। रास्ता हर मौसम में खुला रहेगा तो आवाजाही में सहूलियत जरूर होगी, क्योंकि यहाँ खराब मौसम में हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन से तनाव के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले 4 राज्यों में अलर्ट है। जगह पर सुरक्षा बलों की पैनी निगाह है। सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा पर लगातार गश्त कर रहे हैं। गाड़ियों से भी पेट्रोलिंग की जा रही है। दरअसल इस बात का खतरा है कि चीन से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान मौके का फायदा उठाकर घुसपैठ की साजिश को अंजाम दे सकता है। इसीलिए हर नाके पर जवानों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है और सुरक्षा बल के जवान अलर्ट पर हैं। दिन हो या रात, किसी भी मौसम में 2400 घंटा हर चुनौती के लिए, हर निकलने वाले दुश्मन के लिए तैयार है। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई 3,323 किलोमीटर है। 4 राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसीलिए इन 4 राज्यों में सीमा पर अलर्ट है, ताकि पाकिस्तान मौके का फायदा उठाकर कोई हिमाकत ना कर सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। वो LAC के पास सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के साथ चोरी छिपे अपने सैनिकों की तैनाती में भी इजाफा कर रहा है, जिसकी तस्दीक हुई अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों से। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट वॉरजोन ने LAC पर चीन की सैन्य गतिविधियों से जुड़ी एक सैटेलाइट इमेज जारी की। इस सैटेलाइट इमेज में चीन के लड़ाकू विमान, UAV, अर्ली वार्निंग सिस्टम विमान और रिफ्यूलर्स खड़े नजर आए। चीन के एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 फाइटर जेट हवाई पट्टी पर खड़े दिखे। हालांकि सैटेलाइट इमेज से ये पता नहीं चल पाया कि ये कौन से फाइटर जेट हैं, लेकिन जिस तरह से एक कतार में लड़ाकू विमान खड़े नजर आए, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन की मंशा क्या है। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट वॉरजोन ने ट्वीट कर चीन के बुरे इरादों की पोल खोल दी। LAC के पास चीन ने न सिर्फ लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रखी है, बल्कि वो भारत की ओर से संभावित जवाबी हमले से निपटने की तैयारी के साथ जासूसी भी कर रहा है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन ने लड़ाकू विमानों के साथ LAC के बेहद करीब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल विमान को भी तैनात कर रखा है। सैटेलाइट इमेज में लड़ाकू विमानों के बाईं ओर खड़ा ये वही AEW विमान है जो एयर स्पेस सर्वेलेंस और दुश्मन के किसी भी विमान की खबर देने में सक्षम है। यही नहीं, सैटेलाइट इमेज में दाहिनी तरफ की रनवे के करीब लाइन से खड़े ये UAV भी नजर आ रहे हैं। ये बिना पायलट वाले विमान है, जिन्हें बम गिराने वाले ड्रोन भी कहा जाता है। Oh, my God.